अंगनवाड़ी कर्मचारी जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, पोषण कर्मचारी जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ आंगनवाड़ी की महिलाएं, स्कीम वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, जो कि देश भर से आई हैं। इनकी यही मांग है कि इनको समान काम का समान वेतन दिया जाए, जो मानदेय इनका काफ़ी कम है उसको बढ़ाया जाए और इनको स्थायी यानी परमानेंट कर्मचारी के रूप में नौकरी दी जाए। जो बेटी लड़ाई के मैदान में आ गई, वो बेटी उनको नजर ही नहीं आती। हम इतना काम करते पर हमारे काम की कदर नहीं हो रही है। आप एक और कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, क्या नारी सशक्तिकरण है? क्या हम लोग देश की नारी नहीं है? एक पुरुष अगर कोई कंपनी में काम करता है तो उसको 10-12 हजार रुपया मिलता है, लेकिन वही जब हम एक महिला सरकार का काम करते हैं तो हम लोग को एक मजदूरी तक भी नहीं दिया जाता है। कोरोना का जो दौर था उसमें जो आशा वर्कर्स थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनका काफी बड़ा योगदान गांवों में काम करने में था, लेकिन उनको अब उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। सरकार से वो अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली में आई हैं। देखिए न्यूज क्लिक की रिपोर्ट। तीनों स्कीम वर्कर का ये आज डेमोस्ट्रेशन है। ये नीचे स्तर पर पहले परियोजना स्तर पर अपना डेमोस्ट्रेशन की है, अपनी मांगों को रखी है, जिला स्तर पर रखी है, उसके बाद फिर राज्य स्तर पर रख करके और उसके बाद ये दिल्ली के संसद मार्च में आज आई हैं। हमारी आंगनवाड़ी बहनें और आशा बहनें मिलकर काम करती हैं एक सैनिक की तरह, जैसे एक कारगिल में सैनिक युद्ध करते हैं उस तरह से हम लोग जमीन पर युद्ध करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो कुपोषित है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जन्म से मृत्यु तक हम लोग सेवाएं देते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग ने अपनी जान को दांव पर लगा करके और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर और इस देश को बचाने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार जो है सो हम लोग को काम का एक भी अच्छा से नहीं देखती है, निगेटिव देखती है। क्यों? कोरोना काल में जहाँ कि हम अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर रहे थे, उनसे दूरी बनाए रखे, वहाँ ये घर घर जा करके उनको मेडिसिन दे रही थी, उनका चेकअप कर रही थी। वैक्सीनेशन में अगर आज हिंदुस्तान का नाम सबसे पहले आता है तो वो क्यों आता है? क्योंकि ये बहनें घर घर तक गई है, इन्होंने अपनी सर्विस दी, तो ये क्या मांग रही है? ये कह रही है कि हमको परमानेंट कीजिए। हम क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे खाते ऐसे हैं जहाँ पर कि किसी की भर्ती नहीं हो रही है, तो इनका ये कहना है कि आप हमको भर्ती कीजिए और आप हमारा मानधन बढ़ाइए। इन सारी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। काम इतना करवाते हैं, बोलते हैं कि हर काम करो, हर काम का मुबदला मिलेगा, पर जब काम देते हैं हर काम का मुबदला नहीं मिलता, और देते भी है तो बिल्कुल थोड़ी सी पूंजी देते हैं, तो वो थोड़ी सी पूंजी हमें कुछ काम की नहीं है। हमारा एक ही मतलब है, हम जो गट प्रवर्तक है, आशा की जो सुपरवाइजर है, हम हमें वेतन सुसूत्रीकरण में हमारा समावेश करिए। आप समान काम समान वेतन ये चाहिए, और आशा ताई को भी आप काम का जो मुबदला देते हैं वो सिर्फ काम का मुबदला तो ठीक है, पर उनको भी एक फिक्स अमाउंट पेमेंट के स्वरूप में दीजिए। 9 बजे से 4 बजे का ही हम लोग को ड्यूटी है, इतना कड़ा ड्यूटी है कि कहने का बात नहीं है, फिर भी हम लोग को तनख्वाह कम है। क्यों सबको तनख्वाह बढ़ रहा है, हम लोग को तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रहा है? अभी जो हमारी मिड डे मील वर्कर है उनको मात्र 1000 से 1200, किसी राज्य में 1500 मिलता है महीने का, और जो हमारी आशा वर्कर है उनको कमीशन मिलता है, उनको मानदेय भी नहीं मिलता है आशा वर्कर को। और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है उनके राज्य के अलग अलग मानदेय हैं, लेकिन भारत सरकार 3-4 हजार रुपया मात्र दे रही है। आज का स्थिति ऐसा हो गया है, हमारी आंगनवाड़ी बहनें खुद ही कुपोषित हो रही है और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही है। हमारे ही बच्चे जो एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, हमें ना कोई स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, ना कोई शिक्षा का लाभ मिलता है, ना कोई सरकार का जो स्कीम चल रहा है, राशन की राशन हुआ, प्लस जो हम लोग का फ्री में इलाज होता है, बीमा होता है, उसका भी हम लोग के लिए कोई स्कीम नहीं है। आप पोलियो की बात कर लीजिए कि हिंदुस्तान से अगर पोलियो खत्म हुआ है तो कौन उसका क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? उसका क्रेडिट मिलना चाहिए आंगनवाड़ी की बहनों को जिन्होंने ये काम किया है।
विश्व WHO का कहना है कि आशा वर्कर को सलाम है, हिंदुस्तान की आशा वर्कर को जिसने इतना सराहनीय काम किया। उसके बावजूद देश की सरकार उसके बारे में नहीं सोचती है, उसके बावजूद देश की सरकार के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि आकर के उसके डेलीगेट से मिले, उसके डेलीगेट से बात करे कि आपके क्या मांगे। लगातार हमारे स्कीम वर्कर का मांग रहा है कि हमें मजदूर का स्टेटस मिलना चाहिए। अभी तक इनको स्कीम वर्कर माना है, स्कीम खत्म, वर्कर खत्म। तो ये लोग का मेन मांग जो है कि हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। वर्कर के दर्जा के लिए सरकार को काम के घंटे 4 से 8 करने होंगे और सबको काम के घंटे 4-5 पर खटा रहे हैं, जबकि ये लोग 24 घंटा और 18 घंटा काम कर रही है। तो सबसे पहला मांग है कि इनके काम के घंटे बढ़ाए जाए, इनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा, 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड का दर्जा दिया जाए। अगर आप देश का विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश रोग मुक्त हो जाए, हमारे देश का सभी बच्चे स्वस्थ हो जाए, महिलाएं स्वस्थ हो जाए, तो आपको हमारे बारे में, मेरी भी स्वस्थता के बारे में देखनी होगी। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे जमीन पर, तब तक आपका देश कभी मजबूत नहीं होता है। सरकार 1600 में हम लोग को बुड़बक बनाया है, आगिन में जलते हैं, आगिन में मर जाते हैं, कभी मर जाएंगे, कभी झरक जाएंगे, उसको रिकिस सरकार नहीं लेता है, तो गरीब आदमी हम लोग कितना झेलेंगे। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग बीमारी ग्रस्त हो रहे हैं, मेरे बच्चे का सही शिक्षा और सही पोषण नहीं मिल रहा है, तो हम देश का सही पोषण और शिक्षा कैसे दे सकते हैं। पिछले हफ्ते की मैं बात करूंगी, मुंबई में एक बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो सिस्टर्स काम कर रही हैं, उनका एक मोर्चा था 5 दिन का, और उन्होंने वहां पर कहा कि हमको डॉक्टर कहते कि आप इतनी अच्छी डिलीवरी कैसे करा लेते हैं, वो तो ये स्किल तो हम में भी नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार उनका अनदेखा कर रही है। लगातार हम लोग 45 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मेरी सरकार एक बात नहीं सुन रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो पहले आपको इस देश की महिला को बचाना होगा, और वो महिला जो आपके पांव से पांव मिलाकर और आपका हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रही है, हर तरह से काम कर रही है। और अगर नहीं हमारी बात को मानती है सरकार, तो हम लोग सालों साल इस धरती पर बैठे रहेंगे। झूठ पर झूठ जो बोली जा रही है भारत की सरकार, आप बहनों उनको आईना दिखाइए, आप बहनों ये शपथ लेकर के आज के इस मीटिंग से जाइए कि जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, हमारी आशा कर्मी, आंगनवाड़ी और मिड डे मील के भविष्य का तय नहीं होगा। आप जा करके अपने रणभूमि में तैयारी कीजिए और कहिए 2024 में नरेंद्र मोदी आपको हटना ही होगा, ताकि हम आशा कर्मी और आंगनवाड़ी और मिड डे मील बहनों के भविष्य को तय कर सकेंगे।